Friends, my name is Neha Gupta and I welcome you to my channel. GST 28 Council meeting 21st July 2018 को हुई है और इस meeting में बहुत सारे favorable changes हम सब लोगों के लिए हैं. तो आइए cover करते हैं वो one by one और video ज़्यादा messy ना हो क्योंकि changes बहुत सारे हैं तो हम इनको दो या तीन videos में cover करेंगे जैसे भी हो पाएगा. Firstly जो changes हैं वो registration में हैं. मल्टीपल रजिस्ट्रेशन पहले उन लोगों को अलाउड नहीं था जिनके जो प्लेस ऑफ बिजनेस थे सेम स्टेट में थे, बट अब गवर्नमेंट ने नीड देखते हुए बिजनेस हाउसेस के लिए डिसाइड किया है कि जिसके मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस सेम स्टेट में भी हैं तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सेकेंडली जो स्पेसिफाइड कुछ स्टेट्स थे उनकी जो लिमिट थी 10 लैक्स की थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई थी कि उनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. उसमें से 6 स्टेट्स की रेज कर दी गई है. उसमें आते हैं अरुणाचल प्रदेश, यूपी, एचपी, आसाम और मेघालय और सिक्किम. तो ये जो 6 स्टेट्स हैं इनकी लिमिट को रेज कर दिया गया है. उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन का एक और प्रोविजन आया है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड है. बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है. पहले क्या था कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको अपनी फर्स्ट ट्रांजेक्शन से पहले जैसे आप ई कॉमर्स में एंटर करते हो आपको रजिस्ट्रेशन की कंपलसरी रिक्वायरमेंट थी, बट अब वो रिक्वायरमेंट को रिमूव कर दिया गया है. प्रोवाइडेड जो आपका टर्नओवर है वो एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है और आपको टीसीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है. इट्स रियली अ वेलकमिंग स्टेप फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स. देन आता है कंपोजिशन स्कीम होल्डर्स के लिए, कंपोजिशन डीलर्स के लिए. फर्स्टली तो कंपोजिशन स्कीम में जो जाने की लिमिट है 1 करोड़ थी पहले, वो अब 1.5 करोड़ तक रेज कर दी गई है. सेकेंडली जो कंपोजिशन डीलर्स थे उनको जब लॉ इंट्रोड्यूस हुआ तब तो सर्विसेज अलाउड ही नहीं थी, देन अलाउड हुई 5 लैक्स तक. अब एक और उसके अंदर पॉजिटिव छोटा सा चेंज किया गया है कि 5 लैक्स या 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर विच एवर इज हायर उस लेवल तक वो सर्विसेज दे सकते हैं और कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हैं. तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है. जहां तक रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 फॉर अनरजिस्टर्ड डीलर्स से रिलेटेड जो था उसकी बात है, वो पहले भी 2 बार पोस्टपोन हो चुका है. राइट नाउ उसकी जो पोस्टपोन हुआ था वो 30 सितंबर 2018 तक हुआ था, उसको 1 मोर ईयर के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है. तो अभी रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 को लेकर कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कब ये स्टार्ट होने वाला है. देन जो 2 चेंजेस हैं वो आपके रिटर्न में जो प्रैक्टिकली आपको प्रॉब्लम आ रही थी रिटर्न फाइल करते हुए उससे रिलेटेड है. वन थिंग इज 180 डेज. यस, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का जो प्रोविजर 2 था वो बोलता था कि अगर 180 डेज आप हो गए हैं आपको परचेज किए हुए और आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपको ITC तो रिवर्स करना ही पड़ेगा, साथ में आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. तो ये जो इंटरेस्ट वाली लायबिलिटी थी वो बहुत परेशान कर रही थी क्योंकि पहले आप लायबिलिटी रिवर्स कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, बट उसके बाद जब आप उसको रिक्लेम कर रहे हो तो इंटरेस्ट को रिक्लेम नहीं कर सकते. तो अभी उस प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट ने वो इंटरेस्ट वाला पोर्शन हटा दिया है. अब सिर्फ आपको अगर 180 डेज क्रॉस होते हैं तो अपनी जो ITC है उसको रिवर्स करना है और जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो आप उसको रिक्लेम कर सकते हो. तो ये भी बहुत अच्छा स्टेप है. मैं बोल रही हूँ ना, बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये मीटिंग के अपडेट्स सुन के. तो आई थिंक सबके लिए ये यूजफुल प्रूव होंगे. उसके अलावा जो एक और चेंज हुआ है वो हुआ है कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट से रिलेटेड वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का जो क्रेडिट नोट थे उनका इनपुट ही लेना छोड़ दिया था कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन कंप्लायंस से रिलेटेड है. तो पहले आपको ये बताना पड़ता था कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट, जो कि प्रैक्टिकली बिजनेसेस के लिए कई बार पॉसिबल नहीं होता कि एक कंबाइंड क्रेडिट नोट इशू हो रहा है कि वो किस इनवॉइस से रिलेटेड होगा, जो गुड्स हैं वो किस इनवॉइस से रिलेटेड होगी. तो अब वो प्रॉब्लम के ऊपर स्टेप लिया गया है. अब ये प्रपोज किया गया है कि आगे जाकर आपको क्रेडिट नोट के लिए अलग से इनवॉइस, हर इनवॉइस का अलग से क्रेडिट नोट नहीं चाहिए होगा, पूरे साल में जितने भी इनवॉइस है उसके अगेंस्ट भी एक अगर सेम गुड्स है तो एक सिंगल क्रेडिट नोट बना सकते हो. तो ये बहुत बहुत अच्छा स्टेप है और ये हम सबको इसकी बहुत जरूरत भी थी. तो इट वॉज अबाउट चेंजेस इन रिटर्न जो कि जो प्रॉब्लम आ रही थी. उसके बाद जो ITC है उसका भी स्कोप काफी इम्प्रूव किया गया है कुछ चीजों में. लाइक
फर्स्ट थिंग तो जो एम्प्लॉयर है, जिनको एम्प्लॉय को किसी भी लॉ के अंडर कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने की का ऑब्लिगेशन है, दिस इज ऑब्लिगेटरी, प्लीज रिमेम्बर, किसी भी लॉ में अगर ऑब्लिगेटरी है तो वो उनको प्रोवाइड करेंगे तो उसका ITC उनको मिल जाएगा। उसके अलावा किसी भी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई भी मोटर व्हीकल है जो कि मनी को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज हो रहा है तो उसके ऊपर भी ITC मिल जाएगा। उसके अलावा एक और चीज क्लियर की गई है ओवरऑल मोटर व्हीकल से रिलेटेड कि वो मोटर व्हीकल जिनका किसी भी वजह से ITC मिल रहा है, हम सबको पता है 17 सबसेक्शन 5 में जनरली मोटर व्हीकल्स का ब्लॉक किया गया है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो ये यहाँ पर वही बोला है जो एक्सेप्शंस हैं सिर्फ उन्हीं के से रिलेटेड, उन्हीं मोटर व्हीकल से रिलेटेड रिपेयर या इंश्योरेंस या मेंटेनेंस का आपको ITC मिलेगा। मतलब मोटर व्हीकल का तो ITC मिलेगा ही नहीं, तो अगर मोटर व्हीकल का नहीं मिलेगा तो आपको मेंटेनेंस वगैरह का भी नहीं मिलेगा, और अगर मोटर व्हीकल का आपको प्रोविजन के अंडर मिल रहा है तो उसकी मेंटेनेंस का भी मिल जाएगा। तो ये क्लैरिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि कंफ्यूजन कहीं ना कहीं सेक्शन के अंदर थी जिसे क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल था। उसके अलावा एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक प्रोविजन है, नेपाल और भूटान को जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं प्लीज अपने कान खोल लें, उनके लिए एक गुड न्यूज है क्योंकि नेपाल और भूटान को जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे उनको कई बार प्रॉब्लम ये आती थी कि जो उनकी पेमेंट रेमिटेंस है वो कैश में इंडियन रुपी में आती थी, तो जब रुपी में आती थी तो वो कंडीशन जो एक्सपोर्ट की है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी, और सारी कंडीशन सेटिस्फाइड थी, बट जो एक कंडीशन ये थी कि फॉरेन करेंसी में आपको ही पेमेंट आनी चाहिए वो सेटिस्फाई नहीं होती थी, तो एक्सपोर्ट में उसको ले या ना ले वो कंफ्यूजन रहता था, जनरली डिसअलाउ ही करते थे कि एक्सपोर्ट में नहीं आएगा, बट वो गवर्नमेंट ने एक क्लेरिफिकेशन दे दी गई है यहाँ पर कि नेपाल भूटान से अगर कोई डील कर रहा है और अगर RBI ने परमिशन दे दी गई है कि वो कैश में रुपी में रिसीव कर सकते हैं तो वो एक्सपोर्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसके अलावा जॉब वर्क से रिलेटेड दो प्रोविजंस हैं, फर्स्टली जो जॉब वर्कर है उसके लिए ये एक कंपल्शन बनाई गई है कि विद इन 1 ईयर इनपुट्स और विद इन 3 ईयर कैपिटल गुड्स वापस हो जाने चाहिए, तो विद इन 1 ईयर और विद इन 3 ईयर कैपिटल गुड्स का रिटर्न कई बार प्रैक्टिकली बिजनेसेस के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो तो हम सबको पता है बहुत लंबा होता है, तो उसको देखते हुए जो इनपुट्स हैं और जो कैपिटल गुड्स हैं बोला गया कि अगर कमिश्नर चाहे तो उसका जो टाइम लिमिट है फॉर इनपुट्स बाय 1 ईयर और फॉर कैपिटल गुड्स बाय 2 ईयर एक्सटेंड कर सकता है, तो ये जॉब वर्कर को थोड़ी सी राहत देगा। उसके अलावा जो जॉब वर्कर्स हैं, अभी क्या हो रहा है जो जॉब वर्कर्स हैं उनका उनका क्या होता है कि मान लीजिए बाहर से कोई भी मशीनरी आ रही है या कोई भी गुड्स आ रही है प्रोसेसिंग के लिए आ रही है फिर वो यूं की यूं वापस जा रही है, तो उसको लेके कंफ्यूजन था, तो वो भी क्लियर कर दिया गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी गुड्स या कोई भी चीज बाहर से आ रही है वो उस पर प्रोसेसिंग हो रही है उसके थ्रू या उसके ऊपर और उसके बाद वो एज सच बिना इंडिया में यूज किए वापस जा रही है तो उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कवर्ड, एक अपील से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट प्रोविजन आया है, जब भी आप अपील कर रहे हो एपिलेट अथॉरिटी एपिलेट ट्रिब्यूनल को तो जो प्री डिपॉजिट आपको करवाना होता है उसकी जो लिमिट है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, वो एपिलेट अथॉरिटी के लिए 25 करोड़ और एपिलेट ट्रिब्यूनल के लिए 50 करोड़ तक रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है कि उससे ज्यादा प्री डिपॉजिट नहीं करवाया जा सकता। देन माइग्रेशन से रिलेटेड है एक प्रोविजन जो चेंज हुआ है, माइग्रेशन की जो विंडो है वो ओपन तो कर ही दी गई है, यानी अगर उस टाइम पे जब फर्स्टली माइग्रेशन ओपन हुआ था आपने माइग्रेट नहीं किया था तो अभी आप जा सकते हैं, वो विंडो आपके लिए ओपन हो जाएगी और आप माइग्रेट करवा सकते हैं, अपना PART-B REG-26 का फाइल कर सकते हैं। और उसके अलावा एक जो बेनिफिट आपको दिया गया है कि जो लेट फी आपकी रिटर्न्स पे होगी वो वेव ऑफ कर दी गई है। यहाँ पर जो एक छोटी सी प्रॉब्लम कहो या जो गलती अभी नजर आ रही है कि जिन लोगों ने टाइमली माइग्रेट करवा लिया और उनकी किसी वजह से रिटर्न्स लेट हुई है तो उन्होंने टाइम टू टाइम लेट फी पे किए, तो इस तरीके से उनके साथ एक अनजस्टिस नजर आ रहा है,
बट लेट्स सी कि गवर्नमेंट की इंटेंट क्या है और वो इसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन या कोई नोटिफिकेशन लाते हैं क्या. बट राइट नाउ यही प्रोविजन है, जो लोग माइग्रेट अब करेंगे उनको लेट फी वेव ऑफ हो जाएगी. वेव ऑफ किस टर्म में होगी, पहले उनको पे करनी होगी फिर उनकी कैश लेजर में टैक्स के रूप में वापस आ जाएगी. तो दिस वॉज अबाउट दिस मीटिंग. और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, स्पेशली रिटर्न से रिलेटेड और जो टैक्स रेट चेंजेस होने हैं उनसे रिलेटेड, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई जस्ट होप आपके लिए ये जो चेंजेस हैं और ये जो वीडियो है दोनों ही बहुत हेल्पफुल प्रूव होंगे. थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड कीप लाइक शेयर आवर वीडियोज एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.